परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज का वीडियो बना रही हूँ मैं अपनी फार्म की गाय 32 नंबर की। इसका नाम है शाइन। तो ये आज मुझे बहुत ही सुस्त नज़र आई और इसका जो दूध था बिल्कुल ही डाउन आ गया। तो इसके मुंह से देखो पानी निकल रहा है और इसका जो टेम्परेचर है वो भी 101.2 से भी कम है। आम जो तंदुरुस्त पशु होता है उसका जो टेम्परेचर है मैंने अभी तक अपने फार्म पे नोट किया है तो 102 के करीब रहता है। तो इसने खाया पिया भी बहुत कम है, जैसे इसके र्यूमन का जो पीएच लेवल है वो कम हो गया है। तो जब र्यूमन का पीएच लेवल कम हो जाता है तो दोनों साइड ऐसे ये जो है ट्राइंगल से गड्ढे बन जाते हैं, जैसे इसके इधरली साइड भी ट्राइंगल से गड्ढे बने हुए हैं। ये देखो पूरा कुख जो इसका है खाली है। और दूसरी साइड से भी जो इसकी ट्राइंगल जो है बना हुआ है, तो दोनों साइड से ट्राइंगल बने हुए हैं और जहां भी थोड़ा लटका हुआ पेट है। तो इसका जो र्यूमन का पीएच लेवल है वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से इसका दूध भी कम हो गया है और ये खा पी भी बहुत कम रही है। तो अभी मैं इसका जो ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, तो एक तो इसका जो ब्लड है वो भी मेरे को कम ही नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे इसका देखो ब्लड चेक करना हो तो वर्जेना को हम चेक करते हैं, अगर पिंक से ज़्यादा थोड़ी वाइटिश की तरफ जाए तो इसका मतलब होता है कि गाय में जो है ब्लड की कमी है। जैसे इसके वर्जेना में जो सफ़ेद नज़र आ रही है, और दूसरी इसकी आंख की पुतलियां भी मैंने अभी चेक की है वो भी सफ़ेद नज़र आ रही है। तो इसको खून की कमी भी आ रही लगता है मेरे को हो गई है, और साथ में इसको कैल्शियम की कमी भी है। और इसका जो स्किन कोट है वो भी बिल्कुल डल हो गया है, शाइन नहीं है बिल्कुल उसके ऊपर भी, और खरदरे से इसकी फर लग रही है मुझे। तो अभी मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगी और साथ में इसके आंख की पुतलियों के पास गिड है, पानी भी आ रहा है तो हो सकता है, इसलिए मैं इसको एवरोमैक्सन जो है 10-12 ml लगाऊंगी, उसके साथ जितने भी परजीवी होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। तो इसके कैल्शियम और एनर्जी के लिए, कैल्शियम के लिए मैं माइफेक्स लगाऊंगी ड्रॉप बाय ड्रॉप, और एनर्जी के लिए रेंटोस लगाऊंगी, और इसके र्यूमन को हेल्दी करने के लिए रूमेंसन पाउडर इसको खिलाऊंगी, और साथ में इसका जो NS दूंगी, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन भी लगाऊंगी, 2 NS दूंगी, रेंटोस लगाऊंगी, एनर्जी के लिए माइफेक्स 1 ही दूंगी इसको, और इसकी डीवॉर्मिंग भी करूंगी क्योंकि इसके गोबर में से मेरे को हल्की सी बदबू भी आई है। तो ये एक 12 ml की डोज इसको लगाऊंगी सब कट, ताकि इसके जितने भी लंग्स में है, लीवर में है, आईज में वॉर्म्स है सब जो है ख़त्म हो जाएं, और ताकत के लिए इसको जे मैं ट्रेबीविट विटामिन इंजेक्शन दूंगी, और साथ में मैं कैटासोल लगाऊंगी ताकि ये मेरी गायें जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। ये पाउडर से जो है इसका र्यूमन हेल्दी हो जाएगा। कई बार क्या होता है जब गायें का पीएच लेवल कम होता है तो खाती भी कम है, तो जब मैं इसका ये सारा ट्रीटमेंट कर दूंगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और एक्टिव भी हो जाएगी और खाएगी भी। तो अभी मैंने इसको IV रिंटोस लगा दिया है एनर्जी के लिए, ताकि ये गाय को ताकत मिल जाए क्योंकि इसने सुबह बहुत ही कम खाया है। तो साथ में मैंने इसमें विटामिन्स के इंजेक्शन दिया है ट्रेब्यूविट, ताकि इसमें जो है ताकत आ जाए और जो मेरी गायें हैं बिल्कुल हेल्दी होनी शुरू हो जाए, ठीक होनी शुरू हो जाए। तो IV मैंने इसको एनर्जी दे रही हूँ रेंटोस की। तो जब
गाय कम खाती हैं तो उसके ह्यूमंस का पीएच लेवल कम हो जाता है, तो उसका दूध भी कम हो जाता है और साथ में उसके पेट के दोनों तरफ जो है ट्राई एंगल्स गड्ढे बन जाते हैं, वो सुस्त हो जाती हैं, बैठी रहती हैं, जुगाली कम करती हैं और मुंह से हल्का हल्का पानी बहता है और नाक से सींड सा निकलना शुरू हो जाता है और नाक से ऊपर जो है पसीना आता है उसके नाक के ऊपर, ऐसे ये देखो जैसे इसके नाक के ऊपर पसीना आ रहा है। शोर दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए। और उसकी नाक की जो छोटे छोटे टिश्यू हैं वो फुले हुए नजर आते हैं। तो ऐसे सीन नजर आता है और मुंह से हल्का हल्का पानी। तो ये बहुत ही सुस्त है, अभी इसका जब ट्रीटमेंट हो जाएगा पूरा, माइफेक्स लग जाएगा, रेंटोस और नॉर्मल स्लाइन लग जाएगा आईवी, तो इसका जो एनर्जी लेवल है अभी पूरा हो जाएगा, कैल्शियम सोडियम पूरा हो जाएगा। माइफेक्स में तो बहुत ताकत है होती है, वो बैठी हुई गाय को भी खड़े कर देता है। तो इसके र्यूमन के लिए मैं इसको रोमेंसन पाउडर खिला रही हूँ और साथ में इसकी डीवॉर्मिंग कर रही हूँ रेफोबिन टेबलेट के साथ। तो ये बड़ी गायें हैं मेरी, दी जाती हैं, तो ये मेरी गायें 800 प्लस ही हैं, तो दो गोली से भी मुझे ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। तो ये एक माइफेक्स लगाऊंगी इसको मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।